हमारे देश में अस्पताल भले ही लोगों को नया जीवन देते हो और डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता हो, लेकिन जब अस्पताल ही पैसों के लिए मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करता हो तो ऐसे अस्पतालों और डॉक्टरों को क्या कहेंगे। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला आया है जनपद मथुरा के नैती हॉस्पिटल से, जो दावा करता है कि नैती अस्पताल पूर्ण सुविधाओं से लैस है और मरीजों की देखरेख में कोई कमी नहीं छोड़ता। अस्पताल में बेड पर बैठे हैं ये बिजली विभाग के SDO गौरव गुप्ता और उनके हाथ में लगी निरिल को इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इतने बड़े अस्पताल में बोतलें चढ़ाने के लिए हाथ में लगाई जाने वाली निडिल को दोनों हाथों में करीब 7 जगह लगाया जाता है। 7 बार लगाई जाने के बाद तब कहीं जाकर मरीज की वेन में निडिल लगती है। एक निडिल लगाने के लिए 7 बार मरीज को निडिल चुभाई जाती है। नैती अस्पताल डायर का गैर जिम्मेदार रवैया यही नहीं रुका और जब अस्पताल को लगता है कि मरीज डिस्चार्ज होने की कह रहा है तो उस दिन मरीज को देखने कोई डॉक्टर नहीं आता। जब मरीज अपना बिल मेडिकल इंश्योरेंस के जरिए डायरेक्ट कंपनी से देने की बात करता है तब हॉस्पिटल का ठगी का असली खेल शुरू होता है। पहले तो नैती अस्पताल मरीज से ही अपना बिल जमा करने की कहता है और इंश्योरेंस कंपनी से बिल लेने की मना कर देता है और जब मरीज मेडिकल इंश्योरेंस से पैसे देने की जिद पर अड़ जाता है तो मरीज के अनुसार उसे अस्पताल के प्राइवेट रूम में ही बंधक बना लिया जाता है। ना तो मरीज को डिस्चार्ज किया जाता है और ना ही उसे 12 घंटे तक उसके कमरे से बाहर निकलने की परमिशन दी जाती है। जब मरीज ज्यादा शोर शराबा करता है तो उसका बिल इंश्योरेंस के बिल के ऊपर करीब 10,000 ज्यादा बताकर उसे प्रताड़ित किया जाता है। इस अस्पताल का ये कोई पहला कारनामा नहीं है। चलते BJP विधायक कारिंदर सिंह की भाभी का इलाज भी यही चला था, जिसमें इलाज में लापरवाही के चलते हुई मौत के मामले में वृंदावन कोतवाली में FIR भी दर्ज हुई थी, मगर ऊंचे रसूखों के चलते अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और आए दिन यहाँ लोगों का शोषण चरम पर होता है। बिजली विभाग के SDO गौरव गुप्ता ने अपने साथ हुई घटना के बारे में जानकारी दी। इस मामले में जब हमने नैती अस्पताल से इस बारे में जानकारी करनी चाहिए तो नैती अस्पताल प्रबंधन ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। आखिर ये चुप्पी क्यों? AT साहब बताएं, क्या भी प्रॉब्लम थी आपको, किस बीमारी चलते आप एडमिट हुए हैं? मेरे को टाइफाइड फीवर था और पैरों में बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। इसको लेके मैं यहाँ पे श्री बनवारी लाल डॉक्टर साहब को दिखाया था, उन्होंने टेस्टिंग वगैरह करने के बाद में यहाँ पे मेरे को एडमिट कर दिया था। नैती हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। फिर क्या कंप्लेन रही, कैसे रहा पूरा? कंप्लेन वैसे फैसिलिटीज अच्छी हैं हॉस्पिटल की, लेकिन जो नर्सिंग स्टाफ है वो अनक्वालिफाइड है और जो मतलब एक वीगो लगाने के लिए मेरे दोनों हाथों में 11 जगह एक ही दिन में पंचर किया और पूरे, जैसे आप देख रहे होंगे वीडियो में, पूरे हाथ रेड हो गए हैं और पूरे हाथों में स्वेलिंग आ गई। स्वेलिंग मतलब आने के अगले दिन वो नॉर्मल हुई और काफ़ी ज़्यादा पेन होता रहा। उसके बाद जब बोला तो इनका सीनियर स्टाफ आया, उसने भी पंचर किया तो फिर से वो दूसरी जगह स्वेलिंग आ गई। जब इनका नर्सिंग स्टाफ का जो हेड है वो आके वीवो नहीं लगा पा रहे हैं तो बाकी और स्टाफ से क्या उम्मीद करी जा सकती। अभी पेन हो रहा है आपके हाथों में? हाँ, अभी भी पेन है हाथों में। डॉक्टर कंप्लेन करी है आपने? हाँ, डॉक्टर को मॉर्निंग में कंप्लेन किया था तो हाँ, इंश्योरेंस को लेके मॉर्निंग में इन्होंने कल बात की थी तो कल डिस्चार्ज करने के लिए आज मेरे को बोला था कि आज मॉर्निंग में डिस्चार्ज कर देंगे और मॉर्निंग में 8 बजे से लेके मैं अभी तक इंतज़ार कर रहा था कि डिस्चार्ज कर दें, लेकिन इनका इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कैशलेस फैसिलिटी है। अपोलो मिलिक में मेरा इंश्योरेंस था, ऑप्टिमा रिस्टोर करके एक पॉलिसी है उसमें इंश्योरेंस है, उसके रिगार्डिंग वहाँ से इंश्योरेंस कंपनी से आया था कि मेरे को कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है, लेकिन अस्पताल द्वारा ज़बरदस्ती 8,611 रुपये का बिल बनाया गया जो कि टेस्ट का था। टेस्ट की जो भी वो रहते हैं अमाउंट वो ऑलरेडी पॉलिसी में कवर रहते हैं। नहीं, डॉक्टर से जो आपने कंप्लेन की, आपके हाथ में स्वेलिंग लगी हुई है, सबको लेकर कंप्लेन की, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने नर्सिंग स्टाफ को बुलाया और फिर दोबारा से बोलने के बाद इनका जो सीनियर स्टाफ आया था उसने दोबारा से वीगो लगाई और वो फिर से स्वेलिंग आ गई और फिर से रेड पूरा पड़ गया। अभी आप बता रहे हैं सुबह से डॉक्टर साहब एक बार भी नहीं आए और आपको प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, आज देखने के लिए कोई भी नहीं आया। आज डिस्चार्ज का प्लान था और मॉर्निंग में डॉक्टर को आना चाहिए था, मॉर्निंग में भी कोई नहीं आया और सुबह से नर्स को बुला रहे हैं तो वो भी बार बार मतलब काफ़ी देर बाद कोई भी स्टाफ आता है अटेंड करने के लिए।
सुबह से रात के 8 बजे तक कोई नहीं आया? हाँ सुबह नहीं, बीच में एक आध बार आया है, लेकिन मतलब बहुत देर, डॉक्टर नहीं आया ना? डॉक्टर तो कोई भी नहीं आया सुबह सुबह से लेकर 8 बजे, रात के 8 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं आया।